नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूँ शुभम किशोर। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के रेलवे स्टेशन में। यहाँ आज दूसरा वंदे भारत झारखंड को मिला है और ये रांची से हावड़ा तक जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अभी यहाँ इसका विधिवत उद्घाटन माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे सीपी सिंह विधायक, रांची विधायक सीपी सिंह रहेंगे, सांसद रहेंगे और तमाम लोग रहेंगे। ये दूसरी सौगात है जो यहाँ पे झारखंड को मिली है। आज कुल 9 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत को मिले हैं। इससे पहले 27 जून को रांची से पटना का जो वंदे भारत एक्सप्रेस था उसका लॉन्चिंग किया गया था, यहीं से हुआ था। और ये जो दूसरा वंदे भारत है इसको आपको अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी फुल फैसिलिटी के साथ ये वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा जाने के लिए तैयार है। या इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, झारखंड इज ऑल्सो फॉलोइंग इट। We got one connectivity by Vande Bharat to Patna, our big brother Bihar. Today we are getting the another connectivity with Bengal capital. That is also a port. That port connectivity is a must for Jharkhand for its economical development. We are moving towards further development in Jharkhand. And I will tell you one thing. Understand what is the meaning of neutrality from Narendra Modi ji. In West Bengal, his party is not in power. In Jharkhand, his party is not in power. But he is connecting the both of the capitals because whether people vote for him or people vote against him, he loves the people, he loves the nation, he wants the entire nation to develop together. Jharkhand have no port. So this connectivity is doing a very good thing for Jharkhand's economical development. He is a great visionary leader. He was a silent listener all his life. Whatever he listens, when he gets the power, he uses it for the development of the nation. One after another, the schemes what he is introducing to the nation, it is all his thinking for long time. From his young age, all this is getting implemented one after another. That is the reason we are today the fifth largest economical power of the world. Soon, I believe Modi ji will take India to the number one position in our lifetime. बहुत अच्छी बात है और बड़े ट्रेनों के साथ साथ छोटे ट्रेनों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे लोकल ट्रेन में भी बहुत दिक्कतें हैं, उसको दूर करना चाहिए। आज का दिन हम झारखंड वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आज कर रहे हैं। इससे यातायात जगत में क्रांति आएगी, लोग लाभान्वित होंगे। और हमें यही कहना है कि यातायात के क्षेत्र में तो कर ही लिए प्रधानमंत्री साहब महोदय, हम एक कलाकर्मी हैं, कला जगत में भी कुछ ध्यान देनी चाहिए। और हम क्या कहें, मोदी साहब को बहुत बहुत बधाई। और रेल प्रबंधन से मेरा आग्रह है कि सुचारू रूप से इसका संचालन करें ताकि कोई अनहोनी ना हो। मेरा छोटा भाई बोला मुकुंद नायक, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, कि कला क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री को थोड़ा ध्यान देना होगा, ऐसा अनुरोध किया है। ये बात सच है, आज के दिन पूरी भारत में उन्होंने 9 को वंदे भारत ट्रेन दिया है। निश्चय है पूरे भारतीयों का मन गदगद है, और इस तरह से हर साल कुछ मिलता रहे ताकि वैसे यशस्वी ऊँचा सोच रखने वाले प्रधानमंत्री जिंदाबाद रहें, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन सुनो एक छोटी सी बात बाबू, आज 23 साल हो गया झारखंड का बना हुआ, आज तक यहाँ कपड़ा मिल नहीं खुला, आज तक यहाँ बड़े पर्दे का सिनेमा उद्योग नहीं खुला, आज तक यहाँ किसी तरह का मेडिसिन का लेबोरेटरी नहीं खुला, आज तक यहाँ पेपर मिल नहीं खुला, आज भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। जब यह राज हिंदुस्तान के सबसे धनी माने राज है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं,
नित्य प्रतिदिन देश के गांव गरीब मजदूर किसान लोगों के लिए अद्भुत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और पहले हम लोग विदेशों में इस प्रकार के ट्रेन देखा करते थे टीवी में, आज हमारे देश में इस प्रकार की ट्रेन चल रही है। आज के दिन में देश के सुशील प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, स्वागत करते हैं इस ट्रेन का। और यहाँ की जनता को सुविधा होगी, हावड़ा में लोग व्यापार के लिए भी जाते हैं, स्पीड ज़्यादा है और बहुत खुश हैं लोग। सिर्फ किराया थोड़ा कम हो जाए तो लोग और खुश हो जाएंगे। सभी पैसेंजर्स का, यूट्यूबर्स का, वंदे भारत का इनॉग्रल जो ये है रांची से हावड़ा का प्रथम ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय रेल IRCTC की तरफ से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। सुविधाओं की बात करेंगे, आप टाइम थोड़ा लीजिए, फील कीजिए, पूरे कोच को मूव कीजिए सर। आप एक्सलेंट क्वालिटी फील करेंगे, एक्सलेंट इन्वायरमेंट फील करेंगे इनसाइड द कोच। जो कैटरिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, एक्सलेंट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ फूड क्वालिटी को भी बहुत ही बेहतरीन टॉप लेवल पे रख के इसको बाई हार्ट सर्विंग जो है इसको हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। आप लोग फील कीजिए, इसको आनंद लीजिए इस इनॉग्रल वंदे भारत का। और हम शायद आशा करेंगे कि आप लोग भी बेहतर आज फील करेंगे, गौरवान्वित महसूस हो गए हैं। 9 वंदे भारत का आज इनॉग्रेशन है, जिसमें से एक है ये रांची टू हावड़ा। वंदे भारत जो है ये दूसरी सौगात है, पहली रांची से पटना और दूसरी है रांची से हावड़ा। और ये ट्रेन अत्याधुनिक इसमें सुविधा है, ये 1 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है, नो जर्क, और सीट वगैरह भी बड़ा कंफर्ट है ना। ये ट्रेन ऐसा है कि यूरोप से भी अच्छा ट्रेन जो है इंडिया में चलाया है। इसके अनसंग हीरो हैं सुधांशु मणि, जो ICF में जनरल मैनेजर थे। क्या दिए टॉपी और क्या कहे आपको सर? वो बोले कि वी ऑल विल मेक इंडिया अ लीडिंग नेशन, एंड वो टॉफी में दिए डेरी मिल्क। फ्रॉम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची, रिप्रेजेंटिंग आवर स्कूल, वी मेट गवर्नर, ही आल्सो गिव अस चॉकलेट, इज ऑल नाइस एक्सपीरियंस। वी आर गोइंग इनटू वंदे भारत, ट्रैवलिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रेन है, और गवर्नर सर ने हम लोगों को टॉफी भी दिया, चॉकलेट भी दिया, जो बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा ट्रेन है। क्या बना के लाई आज? ये आत्मनिर्भर भारत है, जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं वैसे ही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का झारखंड ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो और फिर गवर्नर से भी हम लोग मिले, जो कि आई फेल्ट वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा, हम लोग फर्स्ट टाइम हम मिले देखे उनको, सो अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत खुशी हुआ।